हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम करने वाले हैं पिका कार्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जो भी आपका डिजायर्ड पर्सन है उसकी फीलिंग्स आपकी तरफ कैसी रहेगी, फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, तो आज हम यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास टू ऑप्शंस हैं। पायल नंबर 1 ग्रीन कैंडल है, पायल नंबर 2 ऑरेंज कैंडल है। तो आप कोई भी एक पायल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 1 से, जिन्होंने ग्रीन कैंडल जो है सिलेक्ट की है। ओके, पायल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है आखिर वो कैसी रहेगी। एट ऑफ रॉड्स, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अगर किसी तरीके की स्टकनेस थी, आप जो है रुके हुए थे रिलेशनशिप में, यू नो फील कर रहे थे कि स्टकनेस है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, यहाँ तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, या कम्युनिकेशन कम है, या खुल के बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आप लोग। इस कनेक्शन का जो है नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक कार्ड और लूंगी मैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे है किंग ऑफ रॉड्स। आप लोग मैच्योरली डील करेंगे लव कनेक्शन से, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पैशन आपको नजर आएगा इस कनेक्शन में। इंटेंसिटी जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लेवल पैशन का बहुत ज़्यादा फील होगा। एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अपनी लुक्स पर बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है, अपनी ओवरऑल लुक्स, कपड़े, हेयर स्टाइल, तो इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, क्रेजियस फील करेंगे, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी आप में नज़र आएगी। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये ओवरऑल आपका लव का एनर्जी थी। अब हम देखेंगे जो भी इंसान आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे। वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आएगी। जो ओल्ड वेज थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी और एक नई शुरुआत, एक चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ नजर आएगा, न्यू चैप्टर। अगर बात कर लीजिए आपके पार्टनर की, तो आपका पार्टनर डिस्टेंट फील करेगा आपसे, ठीक है। ये डिस्टेंस ज्योग्राफिकल हो सकता है, ये डिस्टेंस जो है इमोशनल हो सकता है। थोड़ा इमोशनली विदड्रॉन फील करेगा आपका पार्टनर आपसे, ठीक है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, वहीं आपका पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस फील करेगा, या ये सिंपली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, राइट। लेकिन कुछ तो डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ। ये तीनों कार्ड्स लेते हैं हम, चैरियट कार्ड, टेन ऑफ रॉड्स एंड एम्परर कार्ड। देखिए आपका पार्टनर यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करता हुआ नजर आएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी तरफ इसका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पैशन बहुत है आप लोगों के लिए, बट स्टिल ये इंसान जो है अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता हुआ एम्परर की तरह, क्योंकि ये एम्परर जो होता है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। उसके सिर पे सिर्फ अकेले आपका दारोमदार नहीं होता, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, या वर्क एरिया में भी अगर कुछ उतार चढ़ाव है तो उसको भी मैनेज करना, उधर भी ध्यान देना। तो ये जो एम्परर की एनर्जी होती है वो ऑलराउंडर वाली एनर्जी होती है। तो इस इंसान की ये डिस्टेंस इसलिए भी आप लोग फील कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पैशन की कमी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस इस बात का होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन कैरी कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नो डाउट यहाँ कम्युनिकेशन आप लोगों की काफ़ी होगी, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट साथ ही साथ इस इंसान को कुछ और चीज़ों से भी डील करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम आपको ये इंसान नहीं दे पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये टोटली अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको साइड बाय साइड और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो थोड़ी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो ये अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस इंसान के कुछ ड्रीम्स भी हो सकते हैं, करियर, मनी रिलेटेड ड्रीम्स, जिसको ये बहुत ज़्यादा यू नो हाथ धो के जैसे पीछे पड़ा है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये अचीव करना है, तो करना है। तो ये इंसान कुछ अपने ड्रीम्स को चेज करता हुआ बहुत ज़्यादा शो होगा आपको, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम आप लोगों को नहीं दे पाएगा ये इंसान, जिसकी वजह से हो सकता है आप डिस्टेंस फील करें इस इंसान से। हालांकि यहाँ पैशन की कोई कमी नहीं, ठीक है।
तो इस इंसान का ज़्यादा रुझान मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ रहेगा। हालांकि चीज़ें आप दोनों के बिटवीन आके बढ़ेंगी, ठीक है, लेकिन उतना टाइम आपको ये डिवोट नहीं कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फाइनल आउटकम देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको एक पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि ये इंसान 50-50 चांसेस मीन्स कि ये इंसान इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ बचा भी है या नहीं, बट ये सिर्फ जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फॉर द टाइम बीइंग है। मतलब मैं कई बार इंग्लिश में स्टार्ट हो जाती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि ये इंसान हो सकता है आपको उतना टाइम ना दे पाए और आपको लगे कि ये इंसान इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अप्रैल के मंथ की एनर्जी है। तो ये सिर्फ वक्त का तकाजा है कि उस टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जी रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान हमेशा आपको टाइम देगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये आपको शो जो करेगा, जो इसकी एनर्जी रहेगी वो इस तरीके की रहेगी कि लाइक 50-50 आपको लगेगा इसको कोई इंटरेस्ट है या नहीं या समथिंग, इस तरीके की आपको वाइब्स आएंगी। बट एक्चुअली वो सब कुछ ये प्रेशर जो ये इंसान बैकग्राउंड में फील कर रहा है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट इस इंसान की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लगेगा कि ये इंसान आप में टोटली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइनल आउटकम और फर्स्ट पाइल का एंड करेंगे, देन हम सेकंड पाइल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलो फाइनल आउटकम देख लेते हैं। अप्रैल के महीने में फाइनल आउटकम क्या रहेगी आपके इस रिलेशन की? तो यहाँ पे पेज ऑफ रॉड्स, बिल्कुल बेसिक एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप हो सकता है कॉल करें इस इंसान को, ठीक है। ये है कि अपने सोलमेट को या डिवाइन को प्रे करना, कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसी की हेल्प लेते हुए, हेल्प सीक करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कि आखिर ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है या क्या डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के माइंड में इस रिलेशन को लेकर। तो डेट्स वाई आप हेल्प सीक करते हुए नजर आएंगे, लोगों से एडवाइस लेते हुए नजर आएंगे कई बार कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से भी और आपके तरफ से भी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी, एनर्जीज ही ऐसी हैं कि थोड़ा डिसकंटेंटमेंट का भाव यहाँ पे देखने को, इमोशंस का थोड़ा कम प्रवाह दिखेगा रादर देन की पैशन का, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली वाइब्स हैं लेकिन इमोशंस आपको एब्सेंट नज़र आएंगे आपके पार्टनर की तरफ से। तो इस तरीके की उसी एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से आप डिसकंटेंट फील कर सकते हैं। चलिए ये थी पाइल नंबर वन की रीडिंग, अब हम चलते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों का कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में, आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, राइट। ओके पाइल नंबर टू, ये दो कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओके ये भी आना चाहता है कार्ड। ओके पाइल नंबर टू, ओवर थिंकिंग करेंगे आप अप्रैल के महीने में, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आएगी, यूथफुल एनर्जी नज़र आएगी, किसी की एडवाइस ले सकते हैं क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग हो भी जाएगी, ठीक है। इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखते हैं जो भी डिज़ायर्ड पार्टनर आपके माइंड में है उसकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, क्या एनर्जी रहेगी आपकी तरफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ रॉड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है। ओल्ड मेमोरीज याद करता हुआ ये इंसान ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए नजर आएगा आप लोगों को। अगर इस इंसान के बारे में पूछें तो ये एक सोलफुल सा कनेक्शन फील करता है आपकी तरफ। यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी आ रही है इस इंसान की तरफ से आप लोगों की तरफ, ठीक है। नाइट ऑफ रॉड्स, वन नाइट स्टैंड वाली एनर्जी है इस कार्ड की। तो एक डेस्परेट एनर्जी रहेगी, अट्रैक्शन फील करेगा, हो सकता है एकदम से भागते भागते आपकी तरफ आए बट नेक्स्ट डे वैनिश, अगले दिन गायब हो जाए। तो इस तरीके की भी कुछ एनर्जी है इस इंसान की जो अप्रैल के महीने में रहेगी आप लोगों की तरफ। पेज ऑफ पेंटिकल है, हालांकि ये इमेच्योर एनर्जी है लेकिन स्टिल ये इंसान कुछ सॉलिड यहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है। चलिए और देखते हैं, मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी। थ्री ऑफ रॉड्स, किस चीज़ का इंतज़ार है इस इंसान को? फाइव ऑफ कप्स, डिसकंटेंटमेंट, मिस करने वाली एनर्जी आपका इंतज़ार है, ठीक है। ओल्ड मेमोरीज को याद करता है, ये बहुत ज़्यादा
हो सकता है मिड मंथ में या एंड ऑफ द मंथ ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा आप लोगों की तरफ, बट स्टिल ये इंसान जैसे आएगा वैसे ही गायब भी हो जाएगा। जितनी फास्ट एनर्जी से आएगा उतनी फास्ट एनर्जी से वैनिश हो जाएगा। इस तरीके की टेंडेंसी है इस इंसान की, ठीक है। हालांकि ये बैकग्राउंड में सोचता है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत हो, लेकिन जो इसकी वेज हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। हालांकि ये मिस करता है आपको, वेट कर रहा है आपकी, आपको याद करता है, राइट। तो इस तरीके की एनर्जी है। फाइनल आउटकम देख लेते हैं इस कनेक्शन की क्या रहेगी। फाइनल आउटकम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ एक्चुअली कुछ एंगर इश्यूज हैं आपको या आपके पार्टनर को, यहाँ पे एंगर इश्यूज दिख रहे हैं। एक कार्ड और लेना चाहूँगी फाइनल आउटकम इस कनेक्शन की, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों स्वॉर्ड्स की एनर्जी हैं, एंगर इश्यूज भी हैं, डिसेप्टिव वेज भी हैं, और मैंने बोला था ना वन नाइट स्टैंड वाली एनर्जी है। तो ये इंसान जितनी जल्दी से आपकी लाइफ में आएगा उतनी जल्दी से ही वैनिश हो जाएगा। तो इस इंसान की थोड़ी जो टेंडेंसी है वो डिसीविंग एनर्जी है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा इस इंसान से। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में एक स्नीकी कार्ड है, या तो ये सिंपली आपको स्टॉक करता है या इसकी डिसेप्टिव वेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि ये इंसान जो है एंगर की वजह से हो सकता है आपके पास आए और फिर से गायब हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।